विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना 3 दिसंबर सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजसमंद के साथ पूरे राजस्थान के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर उसकी मतगणना होगी। और मतगणना का तरीका क्या होगा यह मैं बताना चाह रहा हूँ कि तरीका ये होगा कि प्रत्येक विधानसभा वाइज जितने भी बूथ हैं उस प्रत्येक बूथ की मशीनों की गणना होगी। इसके लिए अलग अलग राउंड तय किए गए हैं। पहले राउंड में किसी विधानसभा में 10-10 ईवीएम की एक साथ गणना होगी तो कहीं 12-12 मशीनों की होगी, कहीं 8-8 मशीनों की होगी। इस तरह से अलग अलग राउंड अलग अलग निर्वाचन विभाग द्वारा अपने अपने स्तर पर तय किए गए हैं। इस तरह पहले राउंड में अगर 10 मतपेटियों की एक साथ गणना होती है तो वह राउंड कहलाएगा। इसी तरह उस गुणत में जितने भी विधानसभा में जितने बूथ हैं जितनी मशीनें हैं उस आधार पर उस गुणज में गणना होगी। और उसके बाद उसकी प्रत्येक राउंड में मुख्य रूप से जिसे मतपेटी लाई जाएगी उसको सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यानी जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि उनकी मौजूदगी में उसे सील खोला जाएगा, उसके वोट को बाहर निकाला जाएगा। प्रत्येक जो प्रत्याशी हैं उसको कितने कितने वोट मिले वह बताया जाएगा और बताने के बाद उसे प्रत्येक न सिर्फ आरओ नोट करेंगे बल्कि उनके कर्मचारी भी नोट करेंगे और प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उसे सूचीबद्ध करेंगे। और उसके बाद उनकी सहमति के बाद आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी कि यह मुख्य रूप से रिजल्ट है उसकी राउंड की। उसकी एक सीट तैयार होगी और वह सीट तैयार होने के बाद उसे डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित किया जाएगा और उसे सार्वजनिक तौर पर घोषित भी किया जाएगा। यह मुख्य रूप से प्रक्रिया है। यह लगभग हर जगह मतगणना की यही प्रक्रिया रहेगी। अब बात करते हैं राजसमंद जिला मुख्यालय के श्री बालकृष्ण विद्या भवन में मतगणना होगी। इसमें सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना के निर्देशन में यह मतगणना होगी। अलग अलग निर्वाचन अधिकारी उपखंड अधिकारी के निर्देशन में चारों ही विधानसभा की गणना होगी। इसके लिए बालकृष्ण विद्या भवन में विधानसभा वाइज अलग अलग गणना कक्ष बनाए गए हैं जहां पर आरओ मौजूद रहेंगे, सभी गणना कर्मी कर्मचारी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे और उनकी उनके समक्ष गणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले मतगणना जो शुरू होगी पोस्टल बैलेट की गणना होगी, पोस्टल बैलेट का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद फिर मतपेटियों की गणना शुरू होगी। राजसमंद जिले में मैं आपको बता दूं कि राजसमंद नाथद्वारा और भीम विधानसभा में 12-12 टेबलें लगाई गई हैं यानी कि 12-12 ईवीएम मशीनें यानी 12-12 बूथों की गणना एक साथ हो जाएगी। और इसी तरह कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें तो कुंभलगढ़ विधानसभा की जो गणना होगी उस कक्ष में 9 टेबल लगाई गई हैं, मतलब एक साथ 9 बूथों की 9 ईवीएम मशीन की एक साथ गणना होगी। तो इस तरह अलग अलग राउंड तय किए गए हैं तो 12-12 टेबलें लगी हैं। मुख्य रूप से नाथद्वारा विधानसभा में 12 टेबल पर 20 राउंड में गणना पूरी हो जाएगी। इसी तरह भीम विधानसभा की 22 राउंड में गणना पूरी होगी, यहाँ पर भी एक साथ 12 बूथों की गणना होगी और इस तरह 22 राउंड इसमें मुख्य रूप से चलेंगे। कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें जहाँ पर प्रत्येक राउंड में 9 मतपेटियों की गणना होगी, 9 बूथ की गणना होगी और उसके इसी तरह यहाँ पर 27 राउंड में गणना पूरी होगी कुंभलगढ़ विधानसभा में। और बताया जा रहा है कि लगभग ये जो प्रत्येक राउंड है सभी राउंड की गणना दोपहर 12 से 12:30 बजे तक पूर्ण हो जाएगी और इसके तहत दोपहर करीब 1 बजे मतगणना का रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा कि प्रत्येक विधानसभा में कौन विधायक चुना गया है। राजसमंद में मतगणना को लेकर जो खास तैयारियां चल रही हैं उसका जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, जिला परिषद सीईओ राहुल जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा के साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना स्थल का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, वहाँ की तैयारियों को देखा और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और खासतौर से मतगणना को लेकर कर्मचारियों का एक प्रशिक्षण शिविर मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद में चल रहा है जिसका भी जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने निरीक्षण किया और वहाँ पर कर्मचारियों को खास निर्देश दिए कि वे पूर्ण सतर्कता व सावधानी से मतगणना करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा प्रयास रहेगा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे, खासतौर से राजसमंद जिले के साथ ही मेवाड़ और राजस्थान की हॉट सीटों की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़ रही है जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।